अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी वीडियो में जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो नेटवर्किंग मॉडल की लेयर्स की सबसे पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर है। हम उसकी अहमियत को समझेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये गाइड किया था कि OSI रेफरेंस मॉडल या नेटवर्किंग मॉडल की जो लेयर्स हैं उनको मैं वन बाय वन आपको कवर कराऊँगा। तो आज मैं आपको एप्लीकेशन लेयर के बारे में सारा गाइड करूँगा, ठीक है जी। तो इसको ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ की आपको सही तरह समझ आ सके, ठीक है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त पता चल सके। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? बेसिकली जब आप डाटा को सेंड कर रहे होते हैं नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर से, तो ये वो फर्स्ट लेयर होती है जो कि उसके ऊपर काम करती है। और सेवन्थ लेयर होती है या लास्ट लेयर होती है जब डाटा रिसीव हो रहा होता है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में गाइड किया था कि लेयर बेसिकली कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ये लॉजिकल एक कंपोनेंट है नेटवर्किंग का, जिसमें कुछ काम हो रहे होते हैं ताकि नेटवर्किंग ऑफ योर डाटा हो सके, डाटा एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपरली जा सके। एप्लीकेशन लेयर में ऐसे टास्क होते हैं जो कि इंश्योर कराते हैं कि यूजर्स ऑफ योर कंप्यूटर कैन प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली इंटरेक्ट विद योर कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि नेटवर्किंग पर्पजेज के लिए यूज़ हो रही हैं, ठीक है। सादा लोल साज में भी कह सकता हूँ कि हर एप्लीकेशन के अंदर वो कंपोनेंट जो कि तमाम डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर के साथ उसकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करे, उसे भी एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। ये लेयर इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि बकाया तमाम लेयर अपना पूरा काम करें ताकि इसको डाटा प्रॉपर तरीके से मिल सके जो कि ये आके सेंड और रिसीव कर सके। एप्लीकेशन लेयर को हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये वो लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है कि यूज़र से जो डाटा सेंडिंग एंड से आ रहा है उसे एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर सके ताकि एप्लीकेशन से अंडरस्टैंड कर सके, और इसी तरीके से रिसीविंग एंड पे ये डाटा को इंटरप्रेट कर सके उस फॉर्म में जो कि यूज़र चाहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है ताकि कम्युनिकेशन हो सके विद इन दी डिफरेंट एप्लीकेशन जो कि एक ही नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर चल रही हैं, उनके दरमियान प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन हो सके। जो प्रोटोकॉल इस लेयर पे यूज़ होते हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन यूज़र्स आपस में नेटवर्क के ऊपर सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, ठीक है जी। जो प्रोटोकॉल ज़्यादा तौर पे इस लेयर पे यूज़ होते हैं वो टेलनेट, DNS, DHCP, FTP, SMTP, HTTP, HTTPS, NFS और SNMP, इसके अलावा भी बहुत हैं बट ये ज़्यादा तौर पे यूज़ होने वाले हैं। ये आप गूगल करके इनको डिटेल में सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक छोटी सी वर्किंग दिखा रहा हूँ जिसमें ये जो ब्लैक यूज़र्स हैं बेसिकली आपके, ये इंटरेक्ट कर रहे हैं टू एप्लीकेशन लेयर, ठीक है जी। और फिर ये जो एप्लीकेशन लेयर है ये बेसिकली आगे डाटा प्रोवाइड करती है प्रेजेंटेशन लेयर को, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है जी। तो होप सो आपको आज की चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, अपने फीडबैक, अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स, अपने रिमार्क्स कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और बकाया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस को आपको पता चल सके। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।